गुड इवनिंग दोस्तों। यही कोई 6-7 साल पहले कोल्ड ड्रिंक का एक एड टेलीविजन पर और मोबाइल वगैरह पर आता था। उसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट तो बहुत अपीलिंग था। मैं सोचता रहता था कि यार ये बात अगर हम कहेंगे तो इसके पीछे कुछ कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर्चुनेटली अभी मुझे कुछ एक हफ्ते पहले ये पॉइंट्स मिल गए और वो अल्टीमेटली उसी स्टेटमेंट की तरफ जा रहे थे। सो मैंने फौरन उनको जो पहला ही पॉइंट दिया हुआ उसके हिसाब से उसको जैसा दिया हुआ उस पॉइंट में वैसा ही उसको रिफ्रेमिंग किया। कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे थे उनको अपने ऑर्डर में लगाए और एक देखते देखते नए वीडियो का स्क्रिप्ट बन गया। एंड दैट्स व्हाई ओनली द टाइटल फॉर टुडेज वीडियो इज Move forward the fear and win. Move forward the fear and win. डर के आगे चलो और जीत के दिखा दो, बल्कि दिखाना भी क्या है, काम करेंगे तो जीत ही आएंगे। So the points that I have found very important, very impressing, very impressive and appealing to a lot. So the very first point that I have found was object oriented reframing. अगर ये है, अगर आपके पास सबसे पहले तो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लेके आगे बढ़ना है और उस ऑब्जेक्ट में अगर कुछ टास्क हैंडलिंग में कोई ऑर्डरिंग आती है जो कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज इस टास्क हैंडलिंग में ये चीज पहले आनी चाहिए, ये उसके बाद ये आखिर में बीच में जो कुछ भी जैसे जैसे ऑर्डर मिलते जाते हैं अगर आपको समझ में आता है तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफ्रेमिंग एंड दैट डिस्कार्ड्स द वरीज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफ्रेमिंग अगर आप कर सकते हैं और हो जाती है तो ये इससे वरीज यानी चिंताएं जो है ये काफी मिट जाती है। क्योंकि किसी काम में सफल होने के पहले जो बातें ध्यान में आती है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो चिंता है होती है और कुछ नहीं है। यूजलेस वरीज, दे आर प्रैक्टिकली ऑफ नो यूज, लेकिन आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफ्रेमिंग, पहले तो ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आगे जो टास्क हैंडलिंग करनी है उस टास्क हैंडलिंग में जो स्टेप्स हैं वो अगर आगे पीछे हो रही है, आपको ऐसा लगता है इसके बाद ये होना चाहिए, रीऑर्डर कर लो उनको। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफ्रेमिंग डिस्कार्ड्स द वरीज, इट डिस्कार्ड्स द वरीज। वरीज जो है चिंता है उनको सिरे से खारिज कर देती है, उनको हटा देती है, डिस्कशन कर देती है उनका। नाउ कम सेकंड वन, सर्च थिंग्स ब्रिंगिंग एंथुसियाज्म। अब काम कर रहे हैं आप तो एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, कुछ डल होकर काम कर रहे हैं नो, इट्स नेवर रिजल्ट ओरिएंटेड। द रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क हैंडलिंग एकंपनीज एंथुसियाज्म। That's why only search things bringing enthusiasm. ऐसी चीजों को खोजिए और अपने साथ रखिए जो आपके अंदर enthusiasm लाती हैं। वो काम ही है, काम के दौरान एक माहौल क्रिएट करना है, जो कुछ भी हो search things bringing enthusiasm। ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब इसकी एक इमीडिएट बात, थर्ड स्टेप, वैल्यू फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है अभी। दूसरे के पास क्या है उसकी परवाह मत कीजिए, जो आपके पास है अभी इस समय, वट एवर यू ओ वैल्यू इट, इसकी वैल्यू कीजिए। वट एवर वैल्यू फॉर वट यू हैव, जो आपके पास है उसकी कदर कीजिए। देन कम्स फोर्थ स्टेप, दैट इज डोंट फील डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग। सब कुछ, लगभग सब कुछ आपके पास है जिसकी आपने वैल्यू की है, एंथुसियाज्म भी है, रिफ्रेमिंग आपने कर ही लिया है हर काम का, अब कौन सी चीज ऐसी जो आपके पास नहीं है। आई डोंट थिंक यू मस्ट फील डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग। सो फोर्थ वन, डोंट फील डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, ये इस पूरे सर्कल में बीच में आता है। डिप्राइव्ड होना ही नहीं चाहिए तो वो आपका एंथुसियाज्म और ये आपकी चीजों की वैल्यू, ये आपको इसके नीचे से निकाल के ऊपर ले जाएगी, वापस यहां लाएगी, पहले इन सब को लेकर यहां आएंगे।
ये सारी की सारी चीजें इसको क्रॉस करके थोड़ा सा नीचे से जाएंगी, मतलब उसके उसके साइड से होके जाएंगी, लेकिन आप तक वापस होते हुए फिर ऊपर जाएंगी। ये इस सर्कल का मतलब है। चाहता तो मैं यही इसको कट करके यहाँ से शुरू कर देता, नीचे इसलिए लाया। ये 1 2 3, इन तीन में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल गया है, बहुत सारी मटेरियल अप्रोच मिल गई है एंथुसियाज्म के साथ और वैल्यू के साथ, वैल्यू ओरिएंटेड सब्सटेंसेस के साथ। और ये चीजें अब कहीं से कहीं तक आपको डिप्राइव्ड नहीं बनाएंगी, तो ये पूरी की पूरी फीलिंग इससे क्रॉस करके वापस यहीं पर आएगी दूसरे एंड पर। यहां से काम आपका शुरू हो ही गया है, यहां तक चल रहा है, यहां से फिर कंटिन्यू रहेगा यहां पर, और ये फीलिंग वापस यहाँ आ जाएगी। देन एक्सेप्ट द चेंज एंड चेंज योर एटीट्यूड। सोसाइटी में, वर्किंग में, कल्चर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। विचार रियली पॉजिटिव, एक्सेप्ट इट। सो एक्सेप्ट द चेंज, जो भी बदलाव हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए एंड चेंज योर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड बदलिए। अगर आप सबसे जरूर से मिक्स होते हैं आपका काम डिस्टर्ब होगा, थोड़ा एक तरफ हो जाएगी। कुल मिला के ऐसी कई चीजें हैं जो मैं यहाँ गिना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हमेशा मेरा ये ऑब्जेक्ट रहा है कि एज लेस एज पॉसिबल हैज टू बी द टाइम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई एक्सेप्ट द चेंज। बस जो बदलाव आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए एंड चेंज योर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड बदल लीजिए पॉजिटिवली टू योर वर्क, वट एवर पॉजिटिवली टू योर वर्क, जो आपके काम को फेवर करता जाए, कहीं हैम्पर ना करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क कर्मा विल सेट योर फियर असाइड। ये सब करते जाएंगे, डरने का समय किसके पास है? समय ही नहीं होगा इतना कि आप डरें, डर के बारे में सोचे भी। सो वर्क, ब्रेसेस में लिखा है, बहुत अपीलिंग वर्ड है, कर्मा कर्म। वर्क विल सेट योर फियर असाइड, आपके डर को एक तरफ हटा देगा। और जहां डर एक तरफ हटा, नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से आपका पाथवे अपने आप टर्न होगा टुवर्ड्स विनिंग, चला जाएगा विनिंग की तरफ जाएगा। और एक टर्न और यू हैव वन, आपने जीत लिया। अगला, फिर जब आप अगली कोई दूसरी टास्क एंडिंग करेंगे फिर यहीं से शुरू कर देंगे। इसलिए इसको यहां कंटिन्यू ना करते, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूड है ही, लेकिन एक टास्क हैंडलिंग ऐसी, फिर दूसरी, फिर ऐसी, एक खत्म होने के बाद दूसरी के लिए फिर से वापस यहां आ गए। ओके, इसके अलावा और क्या? फिर तो सीधे हर टास्क हैंडलिंग के बाद टुवर्ड्स विनिंग, ये रास्ता आपको यहां से डाइवर्ट करके इधर ले जाएगा, देयर यू हैव वन। और अब उस सेंटेंस पर आता हूं, उस स्टेटमेंट पर जो कि मैंने टेलीविजन पर देखा था और ये मोबाइल वगैरह पर भी सुना था एड। उस एड में कहता है वो, डर के आगे जीत है। वो वाकई वैसे के वैसे, सरप्राइजिंगली मुझे वैसे के वैसे पॉइंट्स मिले। रिजल्ट दिस वीडियो, हालांकि मैं इस चीज को लेकर डरा नहीं था कि कितने पॉइंट्स होंगे। अरे भाई मिलेंगे, मिल जाएंगे, अभी तो अपना काम करते रहे, बाकी काम करता रहा, अचानक से ये मिल गए। डर के आगे जीत हो गई, डर था ही नहीं, मुझे तो था ही नहीं। एनीवे, बस आज इतना ही बताना था, डर के आगे जीत है और ये 6 कमांडमेंट्स हैं उसके लिए। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी आप पर है वो देख लीजिए। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। मोर नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।